Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं अपने करंट अफेयर्स की। 9 मार्च है और शुरुआत करते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट के साथ जो आपके सामने अभी कंप्यूटर जी लेके आ रहे हैं। तो मोटिवेशनल कोट थोड़ा सा हम देखते हैं और बात करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें समझनी चाहिए, लाइफ कितने आगे तक जानी है, क्या क्या होना है। देखिए, यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्योर इज नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कॉन्टिन्यू दैट काउंट। सफलता का मतलब क्या है? आप कोई एग्ज़ाम का सिलेक्शन ले लेते हैं अभी, तो वो सफल हो गए आप। आपको बहुत आगे तक जाना है, आपको वहाँ प्रमोशन देने हैं, अंदर इंटरनल रिक्रूटमेंट के फॉर्म भरने हैं, क्वालिफाई करना होगा एग्ज़ाम। फैटल की बात करते हैं, मतलब क्या फेल होना कोई घातक चीज़ है क्या? नहीं, जब तक आप फेल नहीं होगी आपको पता नहीं चलेगा ना क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो सफलता और विफलता, ये दोनों को आगे कॉन्टिन्यू रखने का आपके अंदर करेज भी होना चाहिए। अगर आप सफल होंगे तो आप असफल भी होंगे, और असफल होंगे तो सफल भी होंगे। ठीक, तो ये माइंड में आपको हमेशा रखना है। लाइफ एक जंग है और आपको हमेशा लड़ते रहना है, अपने आप को आगे रखना है, तभी आप रॉकस्टार कहलाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और स्टार्टिंग करेंगे हम इंडेक्सेस से। हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको बताया कि 7 मार्च को यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जहां पर बहुत सारी चीजों को अप्रूवल दिया गया। तो इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के जो MOUs था, उसमें क्या क्या अप्रूवल मिले हम पहले उसकी बात करेंगे, फिर आगे बात कुछ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्रीमेंट दिखाता हूं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहले जैसे फॉर एग्जांपल, तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फॉरेन कंट्रीज के साथ, ऑन 7 मार्च हम उसकी बात करने के लिए जा रहे हैं। और MOU बिटवीन इंडिया एंड UK ऑन कैंसर रिसर्च इनिशिएटिव को अप्रूवल मिल गया है। इंडिया एंड UK, इनके बीच में कैंसर रिसर्च के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, उसको अप्रूवल मिल गया, हम उसकी बात यहां पे कर रहे हैं, ये ध्यान देते रहिएगा। देखिए, तो इंडिया एंड UK जो एग्रीमेंट हुआ था, MOU हुआ था कैंसर रिसर्च इनिशिएटिव का, उसको अप्रूवल मिल गया है। तो इंडिया UK कैंसर रिसर्च, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। अब यहाँ पर MOU की बात कर रहे हैं हम, इंडिया और जर्मनी की, ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। यानी कि इंडिया और जर्मनी के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था, आइए हम उसकी बात करते हैं। देखिए, इंडिया एंड जर्मनी के बीच में जो MOU हुआ था, वो था कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए, तो इसको भी अप्रूवल मिल गया है। पहले हमने इंडिया और इंग्लैंड की बात की, और इंडिया और अब जर्मनी की बात कर रहे हैं। आपको जो मुद्दा है, जो ऑब्जेक्टिव था MOU का, वो याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे MOU की बात करते हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में एक MOU हुआ था, किस पर? ऑन कोऑपरेशन इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इसको भी मिल गया है क्या, एक अप्रूवल मिल गया है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेशन इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये आपको लर्न करना है। आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट हैं। देखिए, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है MOU को।
between the Ministry of Road Transport and Highway India and Federal Ministry of Transport Innovation and Technology Austria on technology cooperation in the road infrastructure sector. यानी इंडिया ऑस्ट्रिया के बीच में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एमओयू हुआ था, उसको भी अप्रूवल मिल गया है. हमने तीन कंट्री की बात कर ली है और आई थिंक कि आपको फील्ड याद होंगे सारे. आइए आगे बढ़ते हैं, चौथी बात कर लेते हैं. तो एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बेलारूस ऑन MLAT इन सिविल एंड कमर्शियल मैटर, इसको भी अप्रूवल मिल गया है. मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं. देखिए, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एग्रीमेंट बिटवीन India and the Republic of Belarus on mutual legal assistance in civil and commercial matter. मतलब कि वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर agreement जो था उसको approval मिल गया है. यानी हमने चार countries की बात कर ली, आगे बढ़ते हैं और अब पांचवें agreement की और आखिरी agreement की बात करते हैं. तो cabinet approved amendment to article 3 of the agreement between India and Bhutan. Exactly, में India ने Bhutan को 15 साल के लिए loan दिया था और अभी इंडिया ने इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है और ये 17 ईयर के लिए हो गया है. तो उसमें भाई एग्रीमेंट होता है, कुछ उसमें टर्म्स होते हैं. तो आर्टिकल 3 जो था उसको अमेंड किया गया है. आइए देखते हैं, उसकी बात कर लेते हैं. देख लीजिए, यहाँ पर ये सीधे आते हैं, यहाँ पर हम लोग 15 to 17 ईयर, आप बस बात समझ लीजिए और आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसमें, ठीक. चलिए, तो ये पॉइंट की हम बात कर रहे थे, तो हम एग्रीमेंट एमओयू की बात कर रहे थे. तो यूनियन कैबिनेट ने पांच कंट्रीज के साथ जो एमओयूज हुए थे उसको अप्रूवल दे दिया है. और सेक्टर्स आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एमओयू से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की बात करने वाले हैं आपसे. और यहां पर हम UNDP की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल पब्लिश करता है. उसने पद्म लक्ष्मी को बनाया है गुडविल एम्बेसडर. पद्म लक्ष्मी कौन है, आइए इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. देखिए, तो इंडियन अमेरिकन टेलीविजन पर्सनालिटी एंड फूड एक्सपर्ट पद्म लक्ष्मी वॉज अपॉइंटेड बाई यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एज इट्स गुडविल एम्बेसडर. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गुडविल एम्बेसडर से क्वेश्चन जरूर आते हैं. यूनिसेफ हो, UNDP हो, कोई भी हो, अगर कोई अपना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट करता है तो वो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं. तो UNDP ने पद्म लक्ष्मी को, जो कि एक इंडो अमेरिकन टेलीविजन पर्सनालिटी है और एक फूड एक्सपर्ट है, इनको अपना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है. ये पॉइंट आपको ध्यान देना है. और पद्म लक्ष्मी का काम क्या होगा, तो इनका काम क्या होगा, फाइटिंग इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्पावरिंग ऑफ डिसएनफ्रेंचाइज्ड. मतलब क्या हुआ कि मतलब असमानता, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई और वंचितों को मजबूत बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है. तो ये तो भावनाओं को समझने वाली बात है, तो आपको ये याद नहीं करना है, आपको बस नाम याद रखना है कि गुडविल एम्बेसडर UNDP की कौन अपॉइंट हुई हैं. बस इतना नाम याद रखिए, उतना काम चल जाएगा आपका, ठीक. चलिए आगे बढ़ते हुए UNDP के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे. इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक. और मैंने अभी क्या बोला था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये हर साल UNDP ही पब्लिश करता है. ये भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा एक चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी लास्ट ईयर आपके एग्जाम में HDI का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक. तो ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं, ठीक है. चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो देखिए 17 गोल्स हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस के, जो 2030 तक इन सारे गोल्स को कवर करना चाहता है. जैसे पावर्टी हो गया, हंगर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसे लेकर 17 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के. आइए हम उसकी बात करते हैं. देखिए, 2030 एजेंडा, तो अगर आप कभी सुनोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो 17 गोल्स की बात हमेशा होती है, जिसे 2030 तक हमें पूरा पाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक. चलिए आगे बढ़ते हुए आपको लिस्ट ऑफ रिसेंटली अपॉइंट ब्रांड एम्बेसडर 2018-19 की बात करते हैं. जिन बच्चों के अभी एग्जाम है RRBJEE के, CPO के, या फिर आपके एग्जाम है कोई भी एग्जाम अभी है आपका, तो आपके एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चंस बनते हैं. तो ये कुछ लिस्ट है जिसमें हमने आपको ब्रांड एम्बेसडर की पूरी लिस्ट देने की कोशिश की है. चलिए अपॉइंटमेंट के इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं औसाफ सईद न्यू अम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया. यानी इंडिया ने औसाफ सईद को अपना नया अम्बेसडर बनाया है सऊदी अरेबिया के लिए. इट इज सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके. तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या पॉइंट आपको हम पढ़ाने वाले हैं. तो देख लीजिए, औसाफ सईद वॉज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द सऊदी अरेबिया. तो ये पॉइंट क्लियर है आपको. अच्छा, इसके बाद क्या बताया गया है, ही इज करेंटली द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स. सेशेल्स में भी रुपीस चलती है, इंडियन रुपीस नहीं चलती है, उनका अपना खुद का रुपया है, ठीक.
तो अभी ये सेशल्स में भारत के उच्चायुक्त हैं, हाई कमिश्नर। ये हाई कमिश्नर का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं कभी कोई कोई किसी कंट्री में कोई हाई कमिश्नर होता है और कोई अम्बेसडर होता है। तो इंडिया का जितने भी कॉमनवेल्थ देशों से संबंध है, कॉमनवेल्थ देशों से, तो वहाँ पर हाई कमिश्नर होते हैं, और नहीं है तो वहां पर अंबेसडर होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो ही विल सक्सीड अहमद जावेद, ये पॉइंट आपको और लर्न करना है। तो ये अहमद जावेद को सक्सीड करेंगे, उन्हें रिप्लेस करेंगे। तो एक बार फिर से इनका नाम देख लेते हैं ताकि हम भूले ना, इनका नाम है औसाफ सईद, और ये अहमद जावेद को रिप्लेस करेंगे सऊदी अरेबिया के अंबेसडर के तौर पर। तो ये पॉइंट क्लियर होगा हमें, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ सऊदी अरेबिया के बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम कई बार आपको कैपिटल करेंसी बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं, कैपिटल रियाद एंड करेंसी रियाल, ये मत भूलिएगा कभी। आपको जितने भी देश मिलते हैं डेली हमारे शो में, उनकी कैपिटल करेंसी कहीं नोट कर लिया करिए और उसे रिवाइज करिए, आपके एक नंबर का सवाल है या दो नंबर का सवाल एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हुए लिस्ट ऑफ रिसेंटली अपॉइंटेड अम्बेसडर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि सऊदी अरेबिया ने रीमा बिंट बंदर बिन सुल्तान को अपना नया अम्बेसडर अपॉइंट किया है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। उसके बाद देखें, निलंबर आचार्य को इंडिया में अम्बेसडर अपॉइंट किया है नेपाल ने, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, रिविजन किया हुआ है। आगे बात करते हैं, संजीव रंजन वॉज अपॉइंटेड एज द इंडियाज अम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, हमने पढ़ा हुआ है अपने शो में, और देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड संजय सुधीर एज द इंडियाज अम्बेसडर टू द मालदीव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड हर्षवर्धन श्रृंगला एज द नेक्स्ट अम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं, हम तुरंत यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, यही तो हमारे करंट अफेयर्सों की स्पेशलिटी है। आपने पीछे क्या पढ़ा है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, रुचिका कंबोज को अपॉइंट किया गया है नया अम्बेसडर इंडिया का भूटान के लिए, तो ये भी पॉइंट हम पढ़े हुए हैं। तो अम्बेसडर का छोटा सा रिवीजन आपको मैं करा रहा था, मैं हमेशा कराता हूँ आपको रिवीजन, और आप लोग भी करते हैं पूरे धैर्य के साथ, चलिए अच्छी बात है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब रेजिग्नेशन की। तो यहाँ पर मिजोरम के जो गवर्नर थे इन्होंने रिजाइन दिया है। आइए इसकी बात करते हैं थोड़ी सी, देखिए। तो गवर्नर ऑफ मिजोरम, इनका नाम है कुम्मनम राजशेखरन हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, मिजोरम के ये गवर्नर थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया है। अच्छा आगे देखें, मिस्टर कोविंद मीन्स हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर कोविंद अपॉइंटेड प्रोफेसर जगदीश मुखी एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम विथ एडिशनल चार्ज। तो जगदीश मुखी को एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया है मिजोरम का, जब तक कि कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं निकल जाता, कोई पर्सन अपॉइंट नहीं हो जाता, ठीक। तो नाम देख लीजिए, के राजशेखरन है, ये गवर्नर थे मिजोरम के, इन्होंने रिजाइन दे दिया है, और इनकी जगह पे जगदीश मुखी जो हैं वो एडिशनल चार्ज लेंगे। अब जगदीश मुखी कौन है, तो आपको तो पता होगा जगदीश मुखी जो हैं ये गवर्नर हैं असम के, तो इनको एडिशनल चार्ज मिल गया मिजोरम का भी, तो उसकी पॉइंट की बात हमने यहां पर कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको पूरी लिस्ट हम दे रहे हैं यहां पर इंडिया के स्टेट, उनके गवर्नर के नाम याद रख लीजिएगा, स्टेट का भी देंगे और यूटीज का भी देंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टेट की पूरी लिस्ट आपको यहां पर दे रहे हैं, स्टेट वाइज गवर्नर के नाम आपको यहां पर पूरी लिस्ट है, आप चाहें तो इसे एक बार यहीं से रिवाइज कर सकते हैं हमारा पीडीएफ डाउनलोड करके। और आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहां पर, तो अभी मैं आपको यहां पर यूटीज के भी डिप्टी गवर्नर की बात कर लूंगा, यहां पर वो भी याद कर लीजिएगा। चलिए तो ये हो गया हमारा, इसके बाद करंट ल्यूटिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो आपको पता है कि हमारे देश में 7 UTs हैं, तो 7 UTs की भी पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर का फाउंडेशन स्टोन रखा। देखिए एक बात समझिएगा, ये आपके हिसाब से बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं होगी, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी कुछ करते हैं ना, तो वो हमेशा से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा इस चीज को, देखिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कॉरिडोर एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ काशी विश्वनाथ टेंपल एट वाराणसी। तो वाराणसी वाले खुश हो जाएं, और बढ़िया जो चीज़ बन रही है आपके यहाँ, पहले काशी विश्वनाथ में कैसा सीन था, अब सीन कैसा होगा, ये आप लोग देख रहे होंगे, मैं भी मंदिर में गया हूँ, तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। द टेम्पल कॉरिडोर विल बी रोल मॉडल फॉर ऑल टेम्पल्स एंड देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इस कॉरिडोर को इस तरह डेवलप किया जा रहा है कि एक बेंचमार्क हो जाएगा सेफ्टी का और सिक्योरिटी का, ताकि और जो टेम्पल्स हैं वो इस बेंचमार्क को फॉलो करके अपने काम में स्टैंडर्डाइजेशन ला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ठीक है, ये केवल भावनाओं को समझने वाली बात है। तो काशी कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे, विश्वनाथ कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन इंडिया,
इंडिया में जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनकी लिस्ट आपको हम दे रहे हैं स्टेट वाइज। पहले आप देखिए उड़ीसा, फिर तमिलनाडु, फिर जम्मू एंड कश्मीर की बात की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तो ये आपके एग्जाम में आते हैं। आपको ये पता है टेम्पल्स भी आते हैं, तो ये हमारी पीडीएफ है, कल संडे है, तो आराम से आज या कल इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं ई धरती एप्लीकेशन की। तो ई धरती एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, ई धरती एप्लीकेशन से क्या क्या हो सकता है, हम उसकी बात करेंगे। देखिए, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी हमें परचेस करनी हो, उसमें कुछ रेक्टिफाई करना हो, उसमें कुछ हमें सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो इसके लिए अभी ऑफिशियल वर्क बहुत ज़्यादा था, लाल फिताशाही मतलब कागजी कार्रवाई। लेकिन अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है जहां से हम अपने प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे मामलों का सलूशन एक जगह पे पा सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया, हम पहले उसकी बात कर लें। ठीक है, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप पुरी हैज लॉन्च ई धरती एप्लीकेशन। तो पहला पॉइंट आपको यह रखना है कि ई धरती एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया। ठीक, अच्छा, उसकी बात देखिए। ई धरती एप्लीकेशन अ न्यू ऑनलाइन सिस्टम वेयर ऑल द थ्री मेन मॉड्यूल्स कन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन एंड म्यूटेशन हैव बीन ऑनलाइन वॉज लॉन्च रिसेंटली। अच्छा, कन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन एंड म्यूटेशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें अगर ये सब मैटर हैं तो आप इस एप्लीकेशन से ऑनलाइन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात हमने आपको बता दी। इसके साथ ही साथ हरदीप सिंह पुरी ने एक बात और भी बोली है। क्या बोली है, द पब्लिक कैन नाउ सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बाय विजिटिंग LNDO मतलब लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस वेबसाइट, और लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, और इसके जो भी फीसेस हैं, जो पेमेंट आप करते हैं, वो सब फीस को भी अब डिजिटाइज कर दिया गया है। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। ठीक है, देखिए, तो ई धरती जियो पोर्टल another important application on which LNDO has started working is GIS based mapping of approx 65,000 property. इसके अलावा ई धरती जियो पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जो कि 65,000 प्रॉपर्टीज की मैपिंग कर सकता है एक साथ में, यानी सब कुछ चीजें ऑनलाइन की जा रही हैं। तो आपको ई धरती एप्लीकेशन का नाम याद रखना है, किसने लॉन्च किया ये याद रखना है। इसके अलावा आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा इस पूरे न्यूज में, ध्यान दीजिएगा, और सब बातें केवल समझने वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए, तो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन पब्लिक पोर्टल्स लॉन्च इन फरवरी 2019 की इंफॉर्मेशन आपको हम देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे स्पार्क आपको दिख रहा है जो कि हमारे HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। इसके बाद अगर हम चले यहां पर तो इंप्रेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपको हमने इन्फिटिक्यू पढ़ाया है, आपको हमने लेडीज पढ़ाया है, ई औषधि पोर्टल, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है पहले से, और ये सब कुछ आपको रिविजन करना है। ठीक, ऑनलाइन पोर्टल फॉर लैंड पूलिंग पॉलिसी हो गया, ऑनलाइन पोर्टल फॉर दिल्ली अर्चीव्स हो गया, बंगलार शिक्षा पोर्टल की बात करें जो वेस्ट बंगाल में अभी रिसेंटली में लॉन्च हुआ, न्यू मोबाइल एप्लीकेशन, ये NTA ने लॉन्च किया, हमने इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल अफेयर्स में सबका साथ सबका विकास रिलीज किया गया है, ये है क्या, आइए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, अ कंप्लीशन ऑफ सेलेक्टेड स्पीच ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टाइटल्ड सबका साथ सबका विकास वॉज रिलीज्ड बाई अरुण जेटली ऑन 8 मार्च। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के चुनिंदा भाषणों का एक संकलन जो है, इसका एक उसकी बुक लॉन्च हुई है, इसका टाइटल होगा सबका साथ सबका विकास, और ये अरुण जेटली जी ने लॉन्च की है। तो अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के भाषणों का कुछ पार्ट जो है वो प्रकाशित किया गया है, ये किसने लॉन्च किया, तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने लॉन्च किया, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बुक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है, ये भी ध्यान दीजिएगा, और हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में लॉन्च कर रही है। तो कौन लॉन्च कर रहा है, कितनी भाषाओं में लॉन्च हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो इस बुक में इट रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीइंग ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एज वन। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कौन कौन सी बुक लिखी है उसकी एक लिस्ट आपको यहां पर दे रहे हैं, जस्ट लाइक सोशल हार्मोनी, सॉरी, ज्योतिपुंज, इंडिया सिंगापुर स्टोरी, मन की बात, जर्नी पोयम बाय नरेंद्र मोदी एंड एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर लास्ट ईयर खूब एग्जाम में पूछा गया। ठीक, तो ये था, देख लीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई जो भी बुक्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबका साथ सबका विकास एक टाइटल निकली है बुक की, वो भी आपको मैंने पढ़ा दिया, अरुण जेटली ने इसे लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, तो हमने फॉरेन कंट्रीज की बात कर ले, कुछ नेशनल भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट अप्रूव्ड
कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक्चुअली में गवर्नमेंट ने कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल दे दिया है। आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस शहर में, किस स्टेट में और किस रिवर पे बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे एग्जाम में। ठीक, चलिए। द कैबिनेट कमेटी अप्रूव्ड द इन्वेस्टमेंट सैंक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब देखो इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 624 मेगावाट। तो ये भी आपको ध्यान देना है, इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यानी कि स्टेट हमको मालूम चल गया, ये कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में ये बन रहा है। जम्मू एंड कश्मीर कीरू, याद कर लेना, के आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर कीरू। 624 मेगावाट इसकी क्षमता होने वाली है। अब रिवर की बात करते हैं, रिवर देखिए चिनाब। तो द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन रिवर चिनाब, चिनाब रिवर एंड किश्तवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो किश्तवर शहर है जम्मू एंड कश्मीर में, यानी सिटी मालूम चल गई, रिवर मालूम चल गया, मेगावाट मालूम चल गया। अब हम बात करेंगे इसके अमाउंट की, कितना अमाउंट इसको दिया जाएगा। देखिए अमाउंट है 4,287.59 करोड़ रुपीज। तो हमको अमाउंट भी मालूम चल गया। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सेक्शन से क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कितना मेगावाट का होगा, किस स्टेट में है, किस शहर में है, किस रिवर में है और टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो हमने सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चिनाब रिवर भूलना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात आपसे हम कर लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट रिवर एंड डैम की बात करेंगे। बगलिहार डैम काफी इंपॉर्टेंट है, रिवर चिनाब आपको पता है, अभी हम लोगों ने इस पर बात भी की थी। उरी पकल डैम, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आगे बढ़ें तो इंपॉर्टेंट लेक्स, तो डल लेक आपका हो गया, नागिन लेक आपका हो गया, ये सब तो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा वुलर लेक, तो वुलर लेक भी, हाँ वुलर लेक भी आपको हमने यहाँ पे दिया है, और शेषनाग लेक, ये सब एग्जाम में पूछे गए कई बार आपके। तो लेक भी हमने आपको दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क्स भी बताए हैं आपको, और लोकेटेड नियर, लोकेटेड नियर तो एग्जाम में नहीं पूछते, सीधे स्टेट और लेक ही पूछते हैं आपसे, तो उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर है। नेशनल पार्क्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, हमारे यूट्यूब पर ट्रिक के थ्रू भी है, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो नेशनल पार्क की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसमें बर्ड सेंचुरीज भी हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। चलिए तो इंपॉर्टेंट माउंटेन की बात कर लें, केटू गार्डविन की बात कर लेते हैं, ये हमारे देश की हाईएस्ट पीक है। नंगा पर्वत की बात कर लें, ठीक है, इसके हाइट्स भी हमने आपको यहाँ पर दी हुई हैं। तो सोयामजी की बात कर लें, फिर पंजल की बात कर लें, अमरनाथ पार्ट ऑफ हिमालय, तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। चलिए इंपॉर्टेंट माउंटेन भी यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स में। तो एक एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम हमारे व्हीकल्स में आएगा, ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है, और ये व्हीकल 9 सीटर या उसके ऊपर के जो बसेस हो गई, वैन्स हो गए, कार हो गई, उसी पर ही इंप्लीमेंट होगा। 2021 तक सभी गाड़ियों में ये सिस्टम आ जाना चाहिए, और 2022 के बाद से जो गाड़ियां बनेंगी उसमें बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम होगा। ठीक, आइए उसकी हम बात करते हैं यहां पर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मैंडेट एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज फॉर इंप्रूव्ड रोड सेफ्टी एंड रिड्यूसिंग एक्सीडेंट। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने मैंडेटरी कर दिया है एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी हमारे व्हीकल्स में लगाने के लिए, ताकि हमारे देश में सेफ्टी हो, रोड सेफ्टी हो। ठीक है, देखिए तो द प्रोविजन विल बी बैंडिंग ऑन ऑल व्हीकल विथ 9 सीट एंड अबव। तो ऐसी गाड़ियां जिसमें 9 सीट या उसके ऊपर होती हैं, तो उनमें, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है। ऐसा नहीं कि टू व्हीलर्स में ये मैंडेटरी किया गया है, छोटी गाड़ियों में मैंडेटरी किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए The existing vehicle will be required to adopt a new provision from April 2021. तो अप्रैल 2021 तक ये हमें लगा लेना है, अगर हमारे पास कोई गाड़ी है existing है। ठीक, और जो नई गाड़ी है, न्यू व्हीकल, फ्रॉम अप्रैल 2022 विल हैव दीज प्री फिटेड। तो जो नई गाड़ियां आएंगी तो अप्रैल 2022 में ये प्री फिटेड आएंगी। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको बस याद क्या रखना है, आपको बस ये एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी ये याद रखना है बस। ठीक, इतना पॉइंट। और अगर ईयर की बात करें तो ये दो ईयर जो है ये भी आपको थोड़े ध्यान देने पड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की बात हम करने जा रहे हैं आपसे, और यहां पर आपको हम दिखाते हैं कि नितिन गडकरी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये हमको पता है, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर कौन है? तो डिप्टी मिनिस्टर है मनसुख एल मंदविया, आपको नाम यहां पर दिखाई पड़ रहा है। और अगर एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, मतलब जो लोग इनके नीचे रैंक पर हैं, जो युद्धवीर सिंह मलिक जो है वो सेक्रेटरी हैं, आपको ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। मनोज कुमार जो है वो डायरेक्टर जनरल हैं एंड सो स्पेशल सेक्रेटरी हैं टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे नाम आपको लर्न कर लेने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। FMBAP अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, कैबिनेट अप्रूवल ही छाया रहेगा थोड़ा सा। देखिए
FMBAP क्या है? अब यहाँ पर आपको कुछ डिजास्टर वाला पॉइंट दिख रहा है ना, तो उसी से कुछ मिलता जुलता पॉइंट ही है. देखिए यहाँ पर द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम, यानी कि एब्रीविएशन हो गया यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है. तो फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम को अप्रूवल मिल गया है फॉर फ्लड मैनेजमेंट वर्क इन द इंटायर कंट्री. तो यूनियन कैबिनेट ने FMBAP को अप्रूवल दे दिया है फॉर फ्लड. चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम क्या क्या दिखा सकते हैं उसकी बात थोड़ी सी यहां पे कर लेते हैं. ठीक है, देखिए तो लिस्ट ऑफ रिसेंट मर्जर एंड एक्विजिशन की एक फिर से हमने फाइल दी है आपको, जो थोड़े से रह गए थे तो कल हमने या परसों आपको पढ़ाया भी था, तो उसकी फाइल यहां पर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फेल, तो ये एक बुरी खबर आई है हमारे देश में कि जो लेबर फोर्स है, जो श्रम बल है, उसमें महिलाओं की भागीदारी पहले से कम हुई है. आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं. अभी हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, उसमें ये जो नब खबर आई है काफी बुरी खबर आई है. देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू द डेलॉइट रिपोर्ट Empowering Women and Girls in India, the female labor force participation in India has fallen to 26% in 2018. 2018 में 26% की कमी आपको आई है from 36.7% in 2005. तो हमारे लेबर फोर्स में अगर हम बात करें 2005 की, तो 36.7% फीमेल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो 2018 आते आते 26% ही रह गया है. ये कैसे हुआ इसकी बात कर ले, तो ये क्यों हुआ? तो देखिए दिस इज इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड अंडरलाइंग सोशल इकोनॉमिकल बैरियर्स लिमिटिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन. तो क्वालिटी एजुकेशन ना होने की वजह से और कई तरह के सोशल इकोनॉमिकल जो बैरियर्स होते हैं जो गर्ल्स और महिलाओं को, ये बहुत बड़ा रीजन होता है. जहां बच्चियां होती हैं ग्रेजुएशन में आई, इंटरमीडिएट पास किया, तो उनके पेरेंट्स शादी के बारे में पहले सोचते हैं. तो ये होता है, ये हमारे समाज की सच्चाई है. तो बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं, बहुत तरह के बैरियर्स होते हैं जो वुमेन्स को काम करने नहीं दे रहे हैं हमारे देश में. ये लॉयड रिपोर्ट का कहना है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. 195 मिलियन वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर इन अनपेड वर्क. तो 195 मिलियन वुमेन जो हैं, ये क्या है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और ये अनपेड वर्कर भी इसमें से हैं. तो ये भी पॉइंट डेलॉयट ने अपनी रिपोर्ट में बताया हुआ है. आइए इसकी बात करते हैं. तो आपको क्या याद रखना है इसमें, तो आपको ये परसेंटेज याद रखने हैं और इसके साथ ही साथ आपको बस ये 195 मिलियन वाला पॉइंट देख लीजिएगा. ठीक, चलिए इतना ही है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है. तो यहां पर डेलॉयट की बात कर लेते हैं एक बार. तो डेलॉयट का हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर लंदन में है. और की पीपल की बात करें तो यहां पर इसके चेयरमैन और सीईओ का नाम यहां पे दिया हुआ है, पुनीत रंजन जो है. देखिए ये सीईओ डेलॉयट ग्लोबल के हैं, तो ये भी नाम याद कर लीजिएगा. इंडियन ही ये भी है, अच्छे से इंडिया को समझते होंगे, तो बढ़िया रिसर्च किए हैं. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. बुक्स एंड ऑथर की बात करते हैं. बुक्स एंड ऑथर, सुरेश प्रभु जी ने रिलीज किया है एक कॉफी टेबल बुक. सुरेश प्रभु जी ने रिलीज किया है, याद रखिएगा, इस कॉफी टेबल बुक में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है, जो स्टेप्स लिए गए हैं पॉजिटिव, उसको दिखाया गया है, उसको शो किया गया है. फॉर एग्जांपल उड़े देश का आम नागरिक, फॉर एग्जांपल डेली नए रूट्स बन रहे हैं, डेली नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो सुरेश प्रभु रिलीज अ कॉफी टेबल बुक. आइए इसका नाम क्या है वो देखते हैं. इसका नाम है क्रूजिंग न्यू हाइट फ्लाइंग फॉर ऑल. ये नाम अब आपको ध्यान देना है. तो क्रूजिंग न्यू हाइट फ्लाइंग फॉर ऑल, ये बुक किसने लॉन्च की? ये बुक लॉन्च की सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर सुरेश प्रभु जी ने. तो इतना दो पॉइंट तो पहले याद कर लीजिए. उसके बाद जो पॉइंट आपको यहाँ पे समझाए गए हैं वो केवल भावनाओं को समझने वाली बात है कि हमारी गवर्नमेंट का रोडमैप क्या है इन एविएशन सेक्टर, या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना रुपया इन्वेस्टमेंट कर रही है एविएशन में, ये बताया गया. तो ये तो केवल समझने वाली बात है. आपको बुक का नाम याद रखना है, किसने लॉन्च किया, बस ये दो नाम याद रखने हैं, पूरा आपका न्यूज़ हो गया. सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता है, ये चीज आपको अपने अंदर जगानी पड़ेगी. करंट अफेयर्स बहुत बड़ा है, आपको उसमें वो पॉइंट हाईलाइट करने हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो लिस्ट ऑफ द रिसेंट बुक्स एंड ऑथर 2018 की हम बात कर रहे हैं, 19 की बात भी हम करेंगे, अभी 18 के जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं. तो वो बुक्स और उनके ऑथर कौन है, ये हमने आपको इनकी इंफॉर्मेशन दी है. तो पहली स्लाइड में आप यहां पर देख पा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आ गई. चलिए तो हमने आपको 12 बुक्स के बारे में अभी तक इंफॉर्मेशन दे दी है, यानी 15 बुक और उनके ऑथर जो 2018 में इंपॉर्टेंट बुक्स आई थी एक साथ. हमारे करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको एक साथ कलेक्शंस मिल जाते हैं, आपको यहां वहां भागने की जरूरत नहीं पड़ती है. चलिए
आगे बढ़ते हैं, अवार्ड एंड ऑनर की बात करते हैं। तो नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड बांटा गया हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ भी तीन चार लोग से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो आपको कभी नाम नहीं पूछे आएंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये नारी शक्ति पुरस्कार को देख लो, इसमें 44 रेसिपिएंट हैं, तो आपसे नाम तो पूछा नहीं जाना है, ठीक। तो नंबर्स याद कर लेंगे वो आपके लिए ज़रूरी है। तो नारी शक्ति पुरस्कार किसने दिया? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने। कहाँ पे दिया? दिल्ली में दिया, ठीक, राष्ट्रपति भवन में दिया। तो अब उसकी बात यहाँ पे करने आ रहे हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे। चलिए देखिए यहाँ पर, तो दिस ईयर 44 अवार्डी वेयर सेलेक्टेड आउट ऑफ अराउंड 1000 नॉमिनेशंस रिसीव बाय द मिनिस्ट्री। तो 44 लोग को अवार्ड मिला है, बस इतना याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड दिया गया है। एंड नारी शक्ति पुरस्कार इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर वुमेन इन इंडिया। तो अब मान लीजिए कभी स्टैटिक में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वुमेन को हमारे देश में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा मिलता है, तो नारी शक्ति पुरस्कार। ये भी स्टैटिक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। तो हमने इसकी बात कर ली। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको हम ले चलते हैं लिस्ट ऑफ अवार्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी 2019। तो फरवरी 2019 में जो भी अवार्ड बांटे गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको यहां पर हम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए यहां पर फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, तो ये संजीव चड्ढा को मिला। ये कौन है? यूके एसबीआई चीफ है, हमको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है। अजीब प्रेम जी को ईवाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं फादर फ्रैंकोइस को, तो उन्हें लीजियन द ऑनर मिला है ये अवार्ड। इसके बाद अगर हम बात करें सिद्धार्थ लाल को ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, हम ये पढ़ चुके हैं। संजय सुब्रमण्यम को डैन डेवी प्राइज इसराइल से मिला है, हमने पढ़ा हुआ है ना बेटा। तो ये सब हमको पढ़ना है, ये सब हमको याद रखना है, ठीक। पूरी इंफॉर्मेशन देखिए, टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मोनी मैंने पढ़ाया था आपको। राजकुमार सिंह की बात कर लें, बांग्लादेश की छायानुत की बात कर लें, राम सूतर की बात कर लें, मैंने पढ़ाया है। फुटबॉल रत्न अवार्ड की बात करें, सुनील छेत्री को मिला है। तो ये सारे पॉइंट आपको रिवीजन करने हैं, सारे पॉइंट यहां पे दिए गए हैं, ठीक। चलिए देख लिए, बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, इवेंट और डेज की बात करते हैं। तो वुमेंस डे हमने कल इस पर बात की थी। जब भी डेज की बात आए तो आपको दो बातें याद रखनी होती हैं, एक डेज और उसका थीम। तो थीम देखते हैं, इस पर थीम क्या थी। मैंने आपको थीम कल बताई थी, थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चार्ज। तो आपको ये पता है, कोई नई खबर आपके लिए नहीं है। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, ये हमें पता है। तो समय को आगे, मतलब इस पर समय ना देते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज इन मार्च, मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। कल मैंने आपको अप्रैल की लिस्ट दी थी और आज मैं आपको मार्च की लिस्ट दे रहा हूं। तो मैं ये आशा करता हूं कि जो भी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं वो आप करते होंगे, पढ़ते होंगे। अब पढ़ते हैं कि नहीं ये नहीं मालूम। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुपीज 20 कॉइन की बात कर लेते हैं। तो 20 रुपए कॉइन जो है हमने कल भी आपको पढ़ाया था और आज भी आपको हम पूरी इंफॉर्मेशन एक बढ़िया मैनर में आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर शेप की बात कर ले, डायमीटर की बात कर ले, वेट की बात कर ले, ऑन फेस ऑफ द कॉइन क्या क्या है, रिवर्स ऑफ द कॉइन क्या क्या है, हमने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ आपको यहाँ पर दिख रही है, आउटर रिंग इनर रिंग पूरा हमने इंफॉर्मेशन दी है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब एक्स्ट्रा हाईलाइट की बात हम करने के लिए जा रहे हैं आपसे। एक्स्ट्रा हाईलाइट की बात करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूज़ की बात करते हैं। ये हमारा क्या पता है, ये हमारा एक तरह का कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक होता है। एक्स्ट्रा हाईलाइट में वो सारी इंफॉर्मेशन जो हम आपको नहीं दे पाते हैं वो सब जुगाड़ यहाँ पर होता है पूरा। देखिए तो एंशियंट ट्राइबल लैंग्वेज गोंडी टू बी टॉट इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में प्राचीन आदिवासी भाषा गोंडी सिखाई जाएगी। गोंडी आपको लर्न करना, ये नाम देख लीजिए यहां पर, ठीक। देखिए तो इन मध्य प्रदेश एंशियंट ट्राइबल लैंग्वेज गोंडी विल बी टॉट इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। तो इट इज क्लियर। इसके बाद देख लीजिए, तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड गोंडी इन द प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम ऑफ द स्टेट ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट। यानी पूरे स्टेट में नहीं, केवल ऐसे जगह जहां पर ट्राइबल्स की जनसंख्या ज्यादा है वहां के स्कूलों में गोंडी सिखाई जाएगी। और ये इनका कहना ये था कि गोंडी बोलने वाले लोगों की संख्या तेजी से मतलब खत्म हो रही है, तो इसे विलुप्ति से बचाने के लिए ये काम किया गया, ठीक है। अच्छा इनिशिएटिव है, हमें याद रखना है, हमें गोंडी भाषा याद रखनी है, मध्य प्रदेश में पढ़ाई जाएगी, बस इतना पहला पॉइंट। आइए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर अपॉइंट अनंत अंबानी एज द मेंबर ऑफ बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने अनंत अंबानी को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का मेंबर अपॉइंट किया है। यहां पर देख लीजिए, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत अपॉइंटेड मुकेश अंबानी सन अनंत अंबानी एज द मेंबर ऑफ बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, दूसरी न्यूज हमारी हमने आपको यहां पर दी। चलिए आगे बढ़ते हुए तीसरे न्यूज की बात करते हैं। और एक 118 ईयर ओल्ड
करतार कौर बिकम द ओल्डेस्ट वुमेन टू बी ऑपरेटेड अपॉन. तो करतार कौर ने सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है ऑपरेशन कराने वाली 118 साल में. देखिए नेक्स्ट पॉइंट. तो करतार कौर संगा 118 ईयर ओल्ड हैज रजिस्टर्ड हर नेम इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन टू बी ऑपरेटेड अपॉन. और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया. इतने एज में आज तक किसी ने ऑपरेशन नहीं कराया था. तो इसकी बात कौर वॉज एडमिटेड इन तो सतगुरु प्रताप सिंह अपोलो हॉस्पिटल इन लुधियाना. तो इनका इलाज कहाँ हुआ है? सतगुरु प्रताप सिंह अपोलो हॉस्पिटल लुधियाना में. ये भी इन्फॉर्मेशन आपको हमने दी है यहाँ पर. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? देखिए तो इन्होंने केन तनाका जो जापान के थे इनका 116 ईयर ओल्ड पे ऑपरेशन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है. तो करतार कौर संघा की हम बात कर रहे थे. जापान के केन तनाका का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है जिन्होंने 116 ईयर में ऑपरेशन कराया था और करतार कौर ने 118 ईयर्स में ऑपरेशन कराया. अच्छा है, बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. न्यूज़ नंबर फोर की बात करते हैं. तो न्यूज़ नंबर फोर में ये आपको बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटर इनटू एमओयू. यानी कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक एमओयू साइन की है. क्या इसका मतलब है? देखिए तो द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंटर्ड इनटू एमओयू एम्ड एट इम्प्रूविंग वुमेन लाइवलीहुड एंड एम्पावरिंग देम थ्रू स्किल डेवलपमेंट. तो महिलाओं का स्किल डेवलप करके उनको जॉब या उनका जो भी अपना काम है उसमें उन्हें और स्टैंडर्ड किया जाएगा. ठीक है, तो ये एग्रीमेंट की बात यहाँ पर है. अब देख लीजिए ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ. तो श्रीमती मेनका संजय गांधी मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड श्री धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ. ठीक है, चलिए तो न्यूज़ नंबर फोर की हम बात कर रहे थे, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. हम आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर फाइव की बात करते हैं. तो काजा कैलास अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्टोनिया. तो अगर हम बात करते हैं काजल कैलास की, तो कंप्यूटर जी थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, लैपटॉप शायद चार्ज नहीं है. देखिए चार्ज पर लगाइए इसे, जल्दी आइए आइए. तो काजा कैलास एस्टोनिया जो है एस्टोनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं. ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं. देखिए तो काजा कैलास वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया. शी इज लीडर ऑफ कंट्रीज रिफॉर्म पार्टी. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जा रही है. और एस्टोनिया की बात करें, करेंसी यूरो है और कैपिटल टेलिन है. तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है. चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ रहा है तुरंत, देखिए. चलिए न्यूज़ नंबर सिक्स की बात करते हैं. तो ऑस्ट्रेलिया के किर्गियोस जो हैं इन्होंने अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराकर एवीपुल को खिताब जीता, एवीपुल को टाइटल जीता. हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम टेनिस की बात कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलियाई निक किर्गियोस स्टंट जर्मन सेकेंड सीड अलेक्जेंडर ज़ेवरेव विन द अकापुल्को इंटरनेशनल. तो देखिए जब भी आपसे टेनिस खिलाड़ी के बारे में कुछ बोला जाए तो टेनिस खिलाड़ी की कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल हमने किसकी बात की, हमने निक किर्गियोस की बात की. तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ये जर्मनी के हैं. तो निक किर्गियोस ने अकापुल्को इंटरनेशनल टाइटल जीती है मैक्सिको में. मैक्सिको देखिए यहाँ पर, और ये इनकी फिफ्थ टाइटल थी. ठीक, स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे. आगे बढ़ते हुए न्यूज़ नंबर सेवन की बात करते हैं. तो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन का नाम वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के नाम पर होगा, ऐसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने घोषणा की है. आइए उसकी हम बात करने आ रहे हैं. देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट द चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन विल बी रिनेम आफ्टर फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम जी रामचंद्रन, पॉपुलरली नोन एज एम जी आर. तो एम जी रामचंद्रन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके नाम पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम हो जाएगा. ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंसमेंट किया है. तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी. चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर एट की बात करते हैं. तो विशाखापट्टनम मेट्रो में पैसा कौन लगाएगा वो देख लीजिए. कोरिया एग्जिम बैंक, हमारे भी देश में एग्जिम बैंक है, कोरिया में भी एग्जिम बैंक है. तो कोरिया एग्जिम बैंक टू गिव 4,100 करोड़ लोन फॉर वाइजैक मेट्रो. वाइजैक मींस विशाखापट्टनम. आइए उसकी हम बात कर लें यहाँ पर. देखिए कोरिया एग्जिम बैंक हैज कम फॉरवर्ड टू एक्सटेंड रुपीज 4,100 करोड़ लोन फॉर विशाखापट्टनम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट. तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है.
तो ये पॉइंट हमने बता दिया। आगे बढ़ते हुए न्यूज नंबर 9 की बात करते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन टू बी सेटअप एट सीहोर इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सीहोर शहर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान स्थापित किया जाएगा। ये पहले ही इसको मतलब मिल चुकी थी मंजूरी और अब इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया। आइए तो श्रीमती शकुंतला डी गैमलिन, श्रीमती शकुंतला डी गैमलिन ये है कौन? ये सेक्रेटरी हैं कहां पर? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सेंटर का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? किसने रखा? श्रीमती शकुंतला डी गैमलिन ने। ठीक, ये क्या है? ये सेक्रेटरी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। कहां पर रखा? देखिए तो शेरपुर विलेज इन डिस्ट्रिक्ट सीहोर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का एक शहर है शेरगांव, शेरपुर विलेज, वहां पर ये रखा गया है। सिटी का नाम है सीहोर और स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी। आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाते हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए 180 करोड़ रुपीस मतलब दिए हैं और द इंस्टीट्यूट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। तो ये हमारे देश का अपनी तरह का पहला इंस्टीट्यूट होगा। सीहोर मध्य प्रदेश 180 करोड़, शकुंतला डी गैमलिन, ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने हैं इस न्यूज से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए न्यूज नंबर 10 की बात करते हैं। तो राजनाथ सिंह इनॉग्रेट सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर इन जोधपुर। राजनाथ सिंह जी ने जोधपुर में सीआरपीएफ सेंटर का उद्घाटन किया, सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। तो देख लीजिए सीआरपीएफ हमारे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए इनका बॉस कौन होगा? हमेशा हमारा होम मिनिस्टर होगा। तो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह inaugurated a training center of the Central Reserve Police Force at Palandi, जोधपुर। पलंडी में एक जगह है खिंचनियान, खिंचनियान विलेज जोधपुर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। तो 10 न्यूज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। मुझे लगता है कि अब एमसीक्यू का टाइम आ गया है। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने यहाँ पर, तो 17 क्वेश्चन हमारे कल के होंगे और 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रिवीजन करने के लिए, टोटल 20 क्वेश्चन। तो हु वाज एज्यूम चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो देख लीजिए नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, ये आपसे पूछा गया। एक बात और दोस्तों, आज शाम को 5 बजे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको आना है और बातें करनी है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है भगवान लाल साहनी, भगवान लाल साहनी इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच कंट्री हैज इसरो साइंड एन एग्रीमेंट टू सेटअप अ ज्वाइंट मैरीटाइम सर्विलियंस सिस्टम इन इंडिया ऑन 6 मार्च। कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था और मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे इसका आंसर राइट देंगे। तो 6 मार्च को इसरो ने किस देश के साथ भारत में संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने हेतु समझौते पर एग्रीमेंट किए हैं, एंड द आंसर इज फ्रांस, फ्रांस इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट डबल्ड द इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट फॉर ग्रेच्युटी टू रुपीज दिस अमाउंट ऑन 6 मार्च 2019। इसका अनाउंसमेंट पहले ही हमारे बजट में हो चुका है और इसकी लिमिट कितनी है तो आपको पता है, पहले इसकी लिमिट थी 10 लाख रुपीस, जो कि अब इंक्रीज होकर 20 लाख रुपीस कर दी गई है, एंड द आंसर इज 20 लाख। बढ़िया आंसर, सारे बच्चे सही दे रहे हैं, 20 लाख इज राइट आंसर, वेरी गुड। स्वाति सुमन बेटा 25 कैसे हो गया? 20 लाख है, पढ़ाया था, कल ही पढ़ा था मैंने आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, The government announced new rupees 20 coin on 7 March 2019, which will be shaped like a. तो ये क्या होगा बताइए जरा? हेक्सागन है, ऑक्टागन है, डेकागन है, डोडेकागन है, सर्किल है, किस फेज में है ये, किस फ्रेम में है ये? And the answer is option number 4, डोडेकागन। Option number 4 is right answer. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5th क्वेश्चन, वेयर विल द इसरो एक्सपर्ट रिसीव ट्रेनिंग फॉर द गगनयान प्रोजेक्ट फ्रॉम मार्च 2019। तो इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, इसरो के विशेषज्ञ जो हैं, इन्हें गगनयान परियोजना के लिए प्रशिक्षण कहां पर दिया जाएगा? तो आपको बताया है, 2 देश हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, एक है फ्रांस आपका, एक है रशिया। तो इसमें ऑप्शन में देखें तो फ्रांस रशिया दोनों हैं। गगनयान प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनिंग कहां पर मिलेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो रशिया वाला तो एम्बेसी वाला पॉइंट था, याद करिए, इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा, फ्रांस इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर 100% इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ सोटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर 165 करोड़ ऑन 6 मार्च। सोटेक्स इंडिया की बात यहां पे हो रहा है, तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, ये शायद हमारी पहली न्यूज थी। इसका आंसर क्या होगा? ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
With which of the following along with SBI has launched their merchant acquiring joint venture? SBI Payment Services Private Limited in Mumbai. तो ये हमारे परसों के extra highlight में था, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है. Answer आपको देना है, सही answer देना है आपको. क्या इसका answer हो सकता है? And the answer is Hitachi Payment Services Private Limited. Hitachi Payment Services Private Limited is right answer. Let's move to our next question. Question number 8. The center is all set to launch a national portal. आपको इसका नाम बताना है. Of publicly funded research facilities and equipment in 2019. आपको मैंने कल बताया था. इसके थ्रू आप पूरे देश में कहीं भी रिसर्च कर रहे हो तो आपको valuable information मिल जाएगी. And the answer is option number 3. iSTEM. STEM. Option number 3 is right answer. Let's move to our next question is, who was moved from the position of Deputy Director General of World Health Organization on 7 March? क्योंकि इनको main scientist बना दिया गया और अब ये एक team को lead करेंगी. तो पहले ये Deputy Director General थी World Health Organization की, इनका नाम क्या है? वो आपसे पूछा गया है. And the answer is option number 4, Soumya Swaminathan. Soumya Swaminathan is right answer. Our next question. What is the name of automatic fare collection gating system which was presented by Bharat Electronics Limited? तो जरा मुझे ये भी बताइएगा कि ये किस मेट्रो के लिए लॉन्च हुआ है. मैंने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है. What is the answer? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम लॉन्च किया. उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वागत, SWAGAT. किस मेट्रो के लिए, ये आपको बताना है. चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं लेकिन आंसर आपके देख रहा हूं मेट्रो के लिए. ठीक, देखिए, when will the Jan Aushadhi Divas be celebrated across the country? तो Jan Aushadhi Divas कब celebrate किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या हम टाइम दें, मुंबई मेट्रो के लिए कि अहमदाबाद मेट्रो के लिए? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 7 मार्च. 7 मार्च इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. In the felicitation event for Web Wonder Woman held in New Delhi on 6 March 2019, how many women were honored by the Minister of Women and Child Development, Menaka Gandhi? Kya iska answer hoga? 20, 25, 30, 35, 40. What is the answer? Aur haan, hamare show ko like to kar do, itne log dekh rahe ho, like karo sab log jara fatafat. Like karo, share bhi karna isko. And then sorry, 30 women. 30 women is right answer. Our next question. Who was appointed director of Bhabha Atomic Research Center on 6 March? Bhabha Atomic Research Center ka director kise appoint kiya gaya hai? Jo aapse pucha gaya hai. Kali maine aapko padhaya tha. And the answer is option number 2, Ajit Kumar Mohanty. Ajit Kumar Mohanty is right answer. Ajit Kumar Mohanty is right answer. Our next question is, Organization for Economic Cooperation and Development lowered its forecast for global economic growth. क्या इसका आंसर होगा? धम ठाकुर जी, मैं कब से यहाँ पे कमेंट देख रहा हूँ, तो बेटा आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दें, ज़्यादा अच्छा होगा. And the answer is तो नेक्स्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ. जी हाँ. चलिए आई नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप द रैंकिंग ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग फॉर द दिसंबर जनवरी पीरियड ऑफ 2018-19? सोनभद्र, साहिबगंज, सतारा, इसमें से कौन से शहर ने टॉप किया है? तो इन तीनों ने ही टॉप किया है. हाँ, तो ऑल आर करेक्ट आंसर है. आंसर इज ऑल आर करेक्ट. इन तीनों ने, नाम याद करना पड़ेगा आपको. ठीक है, नाम याद रखना पड़ेगा आपको. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच स्टेट लॉन्च योर स्कीम मुख्यमंत्री कारीगर सहायता ऑन 6 मार्च? तो क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहां पर. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ओडिशा. मैंने आपको कल पढ़ाया था. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिफाइड द मॉडिफिकेशन नॉर्म्स फॉर स्टार्टअप टू इनेबल देम टू सीक एंजल टैक्स एग्जेम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू रुपीज. तो ये आपको मैंने बताया है, ये सारे बच्चों को पता होगा. इसका आंसर है 25 करोड़. 25 करोड़ इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which public sector bank bagged the best bank award from the Tamil Nadu government? And the answer is option number 3, Indian Bank. Simple sa question hai, aapko yaad hoga.
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ऑन विच बैंक डिड आरबीआई इंपोज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज 3 करोड़ ऑन 2nd मार्च. 2nd मार्च पुराना क्वेश्चन है, ठीक है. 3 करोड़ की पेनल्टी किस बैंक पर लगी थी? एंड द आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. यूनियन बैंक इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च वन नेशन वन कार्ड ऑन 4th मार्च. वन नेशन वन कार्ड कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ अहमदाबाद में. ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा. एक क्वेश्चन और है आज. ओके, एसआर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड रिसीव एनवायरमेंट क्लियरेंस फॉर एक्सप्लोरिंग शेल गैस रिजर्व इन विच स्टेट? एंड द आंसर इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इज राइट आंसर. तो गाइज, आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और हम फिर मिलेंगे आपसे इवनिंग में 5 o'clock पर, जहां पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं. लेकिन अगर आप और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, तो आप आ सकते हो सेशन में, आपका मोस्ट वेलकम है. तो गाइज, मिलते हैं 5 o'clock पर. कल संडे है, आज शनिवार है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक चीज शुरुआत करो, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन शनिवार रविवार बैठ के पढ़ो. मूवीज देखना है, ये सब करना है, ये सब मत करिएगा, ठीक है. आराम से पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए. हम मिलते हैं आपसे 5 बजे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच और आप सबका दिन मंगलमय हो.